नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मयूर और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपकी चैनल स्मार्ट इंडिया में। तो दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है बहुत ही अच्छा है और सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि बहुत मेहनत की इस वीडियो के अंदर। जी हां दोस्तों, तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक कैमरा के ऊपर, एक वायरलेस कैमरा जो वाईफाई से ऑपरेट होता है और इंटरनेट से भी वो चल सकता है, यानी उसको आप मिलो दूर से ऑपरेट कर सकते हो। उसके अंदर बहुत सारे फ्यूचर भी है, जैसे कि हम उससे इमरजेंसी कॉल लगा सकते हैं, डायरेक्टली बात कर सकते हैं, सबके ऊपर नज़र रख सकते हैं, किसी को टारगेट भी कर सकते हैं और जब भी वो टारगेट हिलेगा तो वो कैमरा भी उसके साथ साथ घूमेगा, है ना, एकदम मज़ेदार। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा, चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, कुछ इस तरह का बॉक्स है, यहाँ पे वीजोन लिखा हुआ है, वायरलेस कैमरा है और अब हम इसको खोलते हैं। तो जैसे हम दोस्तों उसको खोलते हैं तो सबसे पहले मिलता है आपको पेपर वर्क, जिसमें सब कुछ उसका जो सिस्टम है, गाइडलाइंस है, वो सब कुछ उसमें लिखा हुआ है। ये है कूपन, तो ये कूपन के अंदर दोस्तों एक कोड है यहाँ पे, तो वो कोड अगर आप वहाँ इंस्टॉल कर लेते हो कैमरे के, जो मैंने ऐप बताने वाला हूँ उस ऐप में, तो दोस्तों ये कूपन है और ये क्या करेगा कि इसमें कोड है, अगर हम इंस्टॉल कर लेते हैं इसको, इस कोड को जो एप्लीकेशन है उसमें लॉगिंग करते समय, तो हमको 60 दिन का जो रिकॉर्डिंग है वो मिलेगा। अब हम चलते हैं आगे, इसको हम करते हैं साइड ऊपर, तो अंदर क्या है देखते हैं। तो ये है उसका माउंट करने का स्टैंड है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है, उसका प्लास्टिक भी बहुत अच्छा है और ये है बहुत ही लंबा केबल और फाइनली है एडेप्टर। दोस्तों बात करें हम उसके एडेप्टर की, तो यहाँ पे लिखा है आउटपुट 5 वोल्ट एंड मैक्स 2000 MA, यानी कि वो 35 एम्पियर का है, 0.35 एम्पियर का है, हमारे मोबाइल का भी उसमें चल सकता है। तो फ्रेंड, ये रहा हमारा फाइनली ब्यूटीफुल कैमरा, एकदम रोबोट जैसा दिख रहा है ना फ्रेंड, ये मूवेबल है। तो यहाँ पे अब पीछे की तरफ देखें तो यहाँ पे एडाप्टर कनेक्ट होगा, यहाँ मेमोरी कार्ड डाल सकते हैं, आगे माइक है और बिल्कुल सामने यहाँ पे कंपनी का लोगो है, उसका नाम भी लिखा है वीजोन। यहाँ पे कैमरा है, ये रहा इंफ्रारेड सेंसर और ये दो साइड में दो अलग अलग स्पीकर दिए हुए हैं। तो दोस्तों हम करते हैं उसका रिव्यू, कैसा है उसका सिस्टम, सब कुछ देखते हैं। तो फ्रेंड, अगर आपने ये खूबसूरत कैमरा परचेस कर लिया है तो उसको कनेक्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ सकती है और ये एप्लीकेशन मैं आपको यहाँ पे जूम करके दिखा रहा हूँ। ई स्मार्ट कैम नाम की एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर में आसानी से अवेलेबल है और उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फिर एक रिक्वायरमेंट है दोस्तों कि ये जो कैमरा है वो एक्चुअली IP कैमरा है, तो वो इंटरनेट से ही चलेगा। तो आपके घर में राउटर होना आवश्यक है, जो लान वाला राउटर होता है, नेट वाला, वो अगर नहीं है आपके पास तो फिकर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास घर में दो मोबाइल है, अपने कोई भी मेंबर का कोई मोबाइल ले लो अपने घर का, तो क्या करना है कि ये जो अभी मोबाइल आपको दिख रहा है उसमें ऑलरेडी नेट है, इंटरनेट है, तो हमने इसका जो हॉटस्पॉट है वो ऑन कर दिया है वो, और ये जो फ़ोन है आप दूसरा J1 फ़ोन है जो अभी मैं ऐप बता रहा हूँ उस फोन में वो कनेक्ट कर लिया है। तो अब हमें क्या करना है आगे की प्रोसेस ज़रा देख लेते हैं। तो ये जो एप्लीकेशन है उसको आपको ओपन करना है, तो ये जो ऐप है हमने ओपन कर लिया है, आपको दिख रहा होगा। तो
तो जैसे ओपन करोगे तो ऐसा कुछ इंटरफेस आपको नज़र आ जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको रजिस्टर करना पड़ता है। तो फ्रेंड ये अगर आपने यूज़र नेम सब कुछ बना लिया है तो यहाँ पे लॉगिन करना है, और उसके पहले आपको एक प्रोसेस करनी है, वो ये है कि अपना जो ये कैमरा है उसको रीसेट करना है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, कैमरे के पीछे जहाँ हम जो एडाप्टर लगाएंगे 5 वोल्ट का, वहाँ साइड में एक छोटा सा स्विच है, उसे आपको 2 सेकंड तक दबा के रखना है। तो ये अभी जो बीप की आवाज़ आई वो कैमरा रीसेट हो गया उसकी है, और जैसे कैमरा पूरा रीसेट हो जाएगा तो यहाँ पे 360 डिग्री वो पूरा घूमेगा। तो ये हमारा कैमरा अभी घूम रहा है, और यहाँ पे उसके अंदर से एक आवाज़ आएगी, तब जाके हमारा कैमरा जो है वो कनेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड अभी कैमरा हमारा कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि मैंने आगे भी बताया था कि उसको इंटरनेट चाहिए ही चाहिए हमारे कैमरे को। तो उसके लिए हमने जो मोबाइल, ये मैंने बताया, उस मोबाइल का हॉटस्पॉट ऑन किया है, वो यहाँ पे कनेक्ट नहीं किया था। तो फिलहाल हम उसको कर लेते हैं कनेक्ट। तो अभी आप देख रहे हो यहाँ पे सिंबल आ गया है, तो वो कनेक्ट हो चुका है। अब हमारा कैमरा एकदम रेडी है लॉगिंग के लिए और कनेक्ट के लिए। तो फ्रेंड जैसे आप लॉगिंग करोगे तो ऐसा इंटरफेस नज़र आएगा। अभी आपको यहाँ पे प्लस का सिंबल दिख रहा है, उस पर क्लिक करना है, और हमारा ये पहला वाला कैमरा है तो उसके पर हमने क्लिक करना है, और यहाँ पे QR कोड पर, तो यहाँ पे हम नेक्स्ट कर देना है, और कैमरा रीसेट जो हमने कर दिया है, राउटर सो हमने कनेक्ट कर लिया है, अब हमें नेक्स्ट कर देना है। यह हमारा राउटर है जो वो कनेक्ट हो चुका है, वो आपको बता रहा है, यहाँ पे नीचे पासवर्ड दिखा रहा है। तो यहाँ पे हमने जैसे कंफर्म किया को QR कोड डन कर देते हैं, क्योंकि QR कोड स्कैन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम कैमरे के सामने वो ले जाते हैं मोबाइल को, फ्रेंड आपने देखा कि वो कैमरे के अंदर से स्पीकर में आवाज़ आया कि भाई हमारा कोड जो है वो सक्सेस हो चुका है, और हमारा कैमरा जो है वो कनेक्ट हो चुका है। तो फ्रेंड अभी आप देख रहे हो ये जो वीडियो दिख रहा है, यहाँ पे हमें प्ले करना है। तो जैसे हम प्ले करेंगे तो ये जो लाइव कैमरा का जो लाइव वीडियो है वो है, और अब हम चाहे वहाँ कैमरे को घुमा सकते हैं, ऊपर नीचे दाएँ बाएँ, इस तरह से आप 360 डिग्री तक ये कैमरा घुमा सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का हमारा जो ये कैमरा का वीडियो है वो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो सबसे पहले लाइक कर दो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अगर आप पहले से सब्सक्राइबर है तो बेल के आइकन को दबाकर आप हमारी नोटिफिकेशन पा सकते हो सबसे पहले। तो दोस्तों आज की वीडियो में था बस इतना ही, अब हम मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए, क्यों कष्ट हो रहा है आपको, अगर अच्छी लगी मार दीजिए।